इस्लाम जरा देखिए, वहां पाकिस्तान के संदर्भ में अगर बात करें तो क्यों ये हो रहा है और ये आंकड़े क्या रिफ्लेक्ट करते हैं और क्या छिपाते हैं, ये फैसला आप कीजिएगा। शिया 20% है, सुन्नी मेजॉरिटी है 80%, और ये कहा जाता है कि असल में जो इस्लाम को मानने वाले, सच्चे रूप में मानने वाले लोग हैं वो ये, और इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन होता है जो आप हसन अली के मामले में देख रहे हैं पाकिस्तान में। इसीलिए शिया कहीं अपने आप को, और आप जानते हैं उनके ऊपर ईश निंदा से लेकर तमाम जो एलिगेशंस लगते हैं उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमे चलाए जाते हैं, अक्सर आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई शिया इन्वॉल्व होता है। आप ये भी पाएंगे कि बहुत सारा पॉपुलेशन पाकिस्तान का ऐसा है, करीब करीब अगर मैं ठीक हूं तो 5000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो 2 दशक में इस शिया सुन्नी हिंसा की भेंट चढ़ गए हैं और शिया फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, लेकिन वहां के ये फैक्ट्स हैं कि सऊदी पाक रिश्ते से शियाओं को परेशानी होती है। 2001 से 18 मतलब 2 दशकों के बीच में, जैसा मैं आपको कह रहा था, 5000 शियाओं की हत्या हुई है। शियाओं पर ही ईश निंदा का आरोप लगता है और पाकिस्तान में शिया के खिलाफ नफरती कंटेंट अक्सर देखने को मिलता है, और इन हमलों को जो शियाओं पर किए जाते हैं इनको सुन्नी जायज ठहराते हैं। और जिस बात का भी हवाला दिया जा रहा था, जियाउल हक से जुड़ी हुई घटना का हवाला दिया जा रहा था, वहां आपको न जाने इस तरह की कितनी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। 1980 में जियाउल हक के शासन में शियाओं पर हमले हुए और जिन्ना के भी शिया सुन्नी को लेकर, कि वो शिया थे या सुन्नी इसको लेकर विवाद रहा, हालांकि कहा यह जाता है कि वो शिया थे, उनकी बहन फातिमा भी ये कहती हैं कि वो शिया थे। और ये एक अहम खबर, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता चलूं, टाइम कम है इसलिए मेहमानों की तरफ जाने की भी उत्कंठा बनी हुई। शिया सुन्नी असल में ये है क्या मसला, भरोसा क्या है और क्या फैक्ट्स है, जरा वो भी देख लीजिए। कुरान के हिसाब से क्या कहता है कुरान, ये विश्वास है, ये दोनों का ही भरोसा है कि प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं वो इनके लिए मान्य हैं। फर्क कहां पर आता है, इतिहास की वजह से, विचारधारा की वजह से और लीडरशिप की वजह से, कि किसने लीड किया। और इसीलिए ये झगड़ा पहुंचता है कहां, यहां जहां पर शिया और सुन्नी आपस में अलग हो जाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।